उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मंदन कौशिक को 3 जनवरी को आमंत्रित किया है। वह राज्य के विकास के मुद्दों पर उनसे सीधी बात कर सकते हैं। पिछले दौर में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वर्तमान सरकार ने इन 5 सालों में अपने 5 कामों को गिनाए हैं। इसके जवाब में मंत्री मंदन कौशिक ने कहा था कि हम 100 काम गिनाएंगे, लिहाजा अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड आ रहे हैं कि उत्तराखंड के विकास के प्रति सीधे सीधे आमने सामने की बात हो सके। लेकिन इस सरकार में जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री मंत्री और विधायक मस्त हैं, उनको जनता के जन सरकारों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि उत्तराखंड में जनता त्रस्त है और त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री और विधायक मस्त हैं। तो इसी बात को लेकर मनीष सिसोदिया जी ने अपने संवाद कार्यक्रम में, जब वो उत्तराखंड के दौरे पे थे, उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार सिर्फ 5 कार्य जनहित में जो किए हों वो गिना दे तो हम ये बहुत बड़ी बात मानेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री 0 वर्क मुख्यमंत्री के नाम से देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। और इसको मदन कौशिक जी ने 20 दिसंबर को एक एक्सेप्ट किया था चैलेंज, और बोले कि हम 100 कार्य गिनाएंगे। इसी को लेकर माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने एक लेटर लिखा और उसमें ये बोला गया कि 2-3-4 तारीख को वो एक ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं, क्योंकि कौशिक जी की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया। तो 3 तारीख को मनीष सिसोदिया जी पहुंच रहे हैं देहरादून और 4 तारीख को देहरादून के एक सभागार में ओपन डिबेट के लिए केजरीवाल सरकार बनाम त्रिवेंद्र सरकार के रोज़गार, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा और पलायन आदि मुद्दों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार हैं।